the art and your performance, and that really does like make a person content. So that's my feeling towards this project. College mein aapke college mein kya laya, major koi celebrity aapke college jaate honge, uska environment kya kehenge? Of course hum bhi bade excited hote the, especially agar college fest hai तो कॉलेज फेस्ट का थीम जानना और फिर उसके लिए काम करना. एंड आई यूज्ड टू बी द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ माय कॉलेज फेस्ट, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड व्हेनेवर इट वाज अबाउट दैट. एंड एट द सेम टाइम व्हेनेवर अ सेलिब्रिटी कम्स एंड यू नो लाइक कम्स फॉर प्रमोशंस और कम्स टू जज एन इवेंट और समथिंग, इट यूज टू ऑलवेज बी एक्सट्रीमली एक्साइटिंग मेरे लिए. तो मुझे ऑब्वियसली मेरे कॉलेज का टाइम याद आ गया. आई लव द एक्सपीरियंस हियर. प्लेस कॉलेज में आके आपको आज यूफोरिया 2023 का जो इनॉग्रेशन आपके हाथों से हुआ, तो क्या वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा. एंड आई लाइक टू जस्ट विश देम ऑल द लक कि आप बहुत अच्छे से इवेंट अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाए. तेजस्वी मैम जुड़ी है. तेजस्वी बोलो रोल मॉडल फॉर यूथ. एक्चुअली शी हैज शोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड्योरेंस मेंटली एंड फिजिकली. उन्होंने दिखाया थ्रू बिग बॉस एंड फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी जैसे वन ऑफ द नेशनल इवेंट्स शी हैज बीन पार्ट ऑफ. सो ऐसे जब कलाकार हमारे कैंपस में आते हैं तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है यूथ और स्टूडेंट्स के लिए. एंड ऑफकोर्स अभिनय इज अ चॉकलेट हीरो ऑफ महाराष्ट्र. And all the girls were really very excited to see him. So ऐसे student, ऐसे youth को जब हम लोग हमारे students के सामने present करते हैं तो एक अलग ही level का उनको encouragement मिलता है, motivation मिलता है और वो उनका खुद का सपना इनके personality के through देखते हैं कि मैं भी एक दिन इनके जैसे बनूँगा. तो एक level का प्रोत्साहन मिलता है हमारे बच्चों को जब ऐसे कलाकार. और we have got dynamic director संकेत माने who is very young. एंड उनका इतना अच्छा मूवी है मनक कस्तूरे. एंड इट इज़ अ यूथ ओरिएंटेड मूवी. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये सॉन्ग लॉन्च हमारे कैंपस में हुआ है. बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रतिसाद दिया और बच्चों को ये बहुत अच्छा लगा है गाना और जो सॉन्ग लॉन्च आज हमारे कैंपस में हुआ है. अभी ने आप क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं इससे पहले भी आने वाला था मेरी फिल्म के प्रमोशन के लिए, बट मैं नहीं आ पाया क्योंकि मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी. बट आई एन्जॉयड. आई मीन हमेशा जब मैं कोई भी कॉलेज में जाता हूँ प्रमोट करने के लिए, बी इट इन मुंबई, पुणे और कोल्हापुर और एनी अदर सिटी, देर इज दिस एनर्जी एंड देर इज दिस यू नो द एंटायर यूफोरिया विच इज़ सराउंडेड अमॉन्ग द यूथ विच गिव्स मी एनर्जी टू वर्क हार्डर टू प्रमोट माई फिल्म इवन हार्डर. एंड इट इज़ जस्ट अमेजिंग एंड आई लव इट. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द क्राउड. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द क्राउड हु yearns to watch their star come on the stage, and today I am that guy who comes on the stage. So it has been an amazing journey all in all, but I loved it and I would like to come here every year to promote my film. Okay, I mean just to say that you have just been together on screen ahat, the cinema badal tumcha chemistry badal on screen off screen. आमची ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री हिट वाला फार वेळ नाही लागला बिकॉज वी बिकेम व्हेरी गुड फ्रेंड्स. आणि आम्ही वर्कशॉप चालू केला होता तेव्हा आम्ही किती 7-8 दिवस आम्ही वर्कशॉप करत होतो आणि कॅरेक्टर समजायला आणि खूप सारे आम्ही एक्सरसाइजेस करायचो इम्प्रोवायझेशनच्या. त्याच्यामुळे एक तो एक बॉन्डिंग पण एक निर्माण झालं आणि ते फिल्ममध्ये तुम्हाला दिसतंच आहे आणि प्रमोशनमध्येही पुढे दिसेलच. सो आय थिंक शी इज व्हेरी डायनॅमिक, शी इज व्हेरी फायरी. तेजस्वीला आठवतं की नाही मला माहिती नाही. मी तिला बोललो होतो, माझा एक मित्र आहे तो बोलला होता की तेजू तू जर, तो मला बोलला होता तेजस्वी जर बिग बॉसमध्ये गेली तर ती जिंकून येईल. मी तिला ते बोललो होतो की तू जर गेलीस बिग बॉसमध्ये तू जिंकशील म्हणून, आणि ती जिंकून आली जे एक्सपेक्टेड होतंच ऑब्व्हियसली. बिग बॉस लेडी आहे ती, तेजा डॉन आहे, तिला मी तेजा डॉन म्हणतो. So there is that always, and I always, it is always fun meeting her. It is always, she gives amazing energy to you, and I'm looking forward to promoting this film with her. Okay, Teja ji, अभी आप Big Boss चल रहा है, आप follow कितना follow कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे Big Boss के बारे में? नहीं, I'm here to promote my film, sir. अच्छा, नाही मला खूप मजा आली. माझी पहिली फिल्म आहे आणि ऑनेस्टली पहिल्यांदा आपण जे पण करतो खूप मनाच्या जवळ असतं, तर ही मन कस्तुरी रे माझ्या मनाची खूप जवळ आहे. आणि पूर्ण एक्सपिरियन्स ऑफ शूटिंग द फिल्म खूप
खूप छान होता बिकॉज सगळ्यांनी मला खूप कम्फर्टेबल फील केलं बिकॉज दे आर ऑल एक्सपिरियन्स्ड पीपल दे ऑल डन फिल्म त्यांनी खूप आधी म्हणजे आधी पण काम केलेलं आहे मी मराठी इंडस्ट्रीमध्ये काहीच काम केलेलं नाही आहे तर ही माझ्यासाठी फर्स्ट टाईम होतं तर त्या लोकांनी मला खूप कम्फर्टेबल फील करवलं त्यामुळे मी परफॉर्म पण करू शकले बिकॉज आय थिंक फॉर अन आर्टिस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की आप म्हणजे तुम्ही खूप शांत यु नो असायला हवे लाईक मेंटली ओनली देन यू कॅन परफॉर्म तर माझी मराठी एवढी स्पष्ट सुंदर नाही आहे अरे प्रॉपर बोलते प्रॉपर प्रॉपर बोलते पण जेवढं मला आलं तेवढं मी बोलले पुन्हा याला आवडेल ऑफकोर्स आय थिंक वी विल ऑल्सो कम फॉर द कॉलेज फेस्ट सगळ्यांनी खूप खूप प्रेम दिलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आय लव द रिस्पॉन्स आय लव म्हणजे ऑडिटोरियम मध्ये सगळ्या मुलांची एनर्जी आणि दॅट इज व्हॉट आम्हाला हवंय थिएटर्स मध्ये पण असावं येस ऍब्सोल्युटली सो वी रिअली होपिंग फॉर दॅट इवन इन द थिएटर्स ए चिराग।